जीते टीवी। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं दो नहीं कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। सभी जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल का नेता भालू था। उसने कहा, महाराज हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। जब आप शिकार करने निकलते ही बहुत से जानवर मार डालते हैं, आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसा रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही सदा रहें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर हम भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डाल। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे देरी से आ रहे हो। तुम्हें जिन बेवकूफों ने भेजा है मैं सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन पर झुककर कहा, महाराज अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया, उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा से कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सही नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा महाराज? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरा ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है, उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। और बोला,
जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज ऐसा कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, जब तक मैं उसे जान से ना मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाता हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, तुम यह बताओ कि वह है कहाँ। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था, लगता है आपको देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूब कर मर गया। इस तरह चतुराई के कारण शेर से छुट्टी पाकर नन्ना खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जयकार करने लग गए। दोस्तों इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली, हमें कैसी भी परिस्थिति हो हमें हमारा दिमाग का उपयोग करना चाहिए, जैसे खरगोश ने किया। और दूसरी, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे शेर ने किया। जीतू टीवी।